हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज़। तो सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 3 अप्रैल को और क्लोज होगा 5 अप्रैल 2024 को। इशू की टोटल वर्थ है 4,275 करोड़ रुपीस, जो कि कम्प्लीटली ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। साथ ही प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 542 रुपीस टू 570 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 26 शेयर्स पर लॉट और साथ ही शेयर्स अलॉट होंगे 8 अप्रैल 2024 को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 12 अप्रैल 2024 की। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, BOB कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं और KFin टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इशू के रजिस्ट्रार हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी का कोई भी प्रोसीड्स रिसीव नहीं होने वाला है बिकॉज दिस IPO इज़ अ कम्प्लीट OFS। कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। भारतीय हेक्साकॉम एक कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और साथ ही एयरटेल ब्रांड नेम के अंडर अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें फिक्स लाइन टेलीफोन, कंज्यूमर मोबाइल सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंक्लूडेड है। कंपनी की ये सर्विसेज राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में अवेलेबल है। एयरटेल ब्लैक प्रपोजिशन के अंडर भारतीय हेक्साकॉम अपने फैमिली और कन्वर्ज प्लान्स की ग्रोथ के लिए डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अपने फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी दिसंबर 2023 तक 206 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर चुकी है। भारतीय हेक्साकॉम की प्रेजेंस 486 टाउन्स में है और कंपनी के पास राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अक्रॉस 27.1 मिलियन का एग्रीगेट कस्टमर बेस है एज ऑफ दिसंबर 2023। सेम पीरियड में ही कंपनी ने 24,874 नेटवर्क टावर्स यूटिलाइज किए हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड इनके इंडस्ट्री पीयर्स हैं। अब जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के 9 मंथ्स में राजस्थान के अंदर 67 मिलियन टेलीकॉम कस्टमर्स थे, जो कि ओवरऑल इंडियन टेलीकॉम कस्टमर्स का 5.6% कॉन्ट्रीब्यूशन है और नॉर्थ ईस्ट के 12.7 मिलियन कस्टमर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1.1% रहा है। राजस्थान सर्कल का ग्रॉस रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 127.6 बिलियन रुपीज़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2014 और 2023 के बीच 4.4% के CAGR से ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक ये रेवेन्यू 183 रुपीज़ टू 185 बिलियन रुपीज़ तक जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल की बात करें तो वहाँ का ग्रॉस रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 29.6 बिलियन रुपीस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2014 और 2023 के बीच 3.1% के CAGR से ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक ये रेवेन्यू 39 बिलियन रुपीस टू 41 बिलियन तक पहुँच सकता है। राजस्थान सर्कल में वायरलेस सर्विसेज का इंडस्ट्री ARPU 20.8% के CAGR पर 68 रुपीस से बढ़कर 145 रुपीस हुआ है, जबकि नॉर्थ ईस्ट सर्कल में ये ARPU 23.1% के CAGR पर 74 रुपीस से बढ़कर 170 रुपीस हुआ है, आउट परफॉर्मिंग द नेशनल ARPU ग्रोथ फ्रॉम 71 रुपीस टू 142.3 एट अ CAGR ऑफ 19.0% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2023। राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के रूरल एरियाज में टेली डेंसिटी और स्मार्टफोन्स के अडॉप्शन में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि इन रीजन्स के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी, प्लस दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, राइज इन डेटा कंजम्पशन एंड ग्रोथ एंड डिमांड फॉर ई एजुकेशन। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। ये फाइनेंशियल 23 में 6,579 करोड़ रुपीस था, फाइनेंशियल 22 में 5,405.2 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल 21 में 4,602.3 करोड़ रुपीस था। एक साल में ये 21.72% से अप था और दो साल में 42.95% से इंक्रीज हुआ। एबिट्टा की बात करें तो ये फाइनेंशियल 23 में 2,888.4 करोड़ रुपीस था, फाइनेंशियल 22 में 1,898.5 करोड़ रुपीस था और फाइनेंशियल ईयर 21 में 1,137.3 करोड़ रुपीस था।
up by 52.14% in 1 year and 153.97% in 2 years. PAT, financial year 23 mein 549.2 crore rupees tha, financial year 22 mein 1674.6 crore rupees tha, aur financial year 21 mein negative 1033.9 crore rupees tha. Ek saal mein ye 67.20% se reduce hua, और 2 साल में 153.12% से इंक्रीज हुआ। टोटल एसेट्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 18,252.9 करोड़ रुपीस था, फाइनेंशियल ईयर 22 में 16,674.3 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 21 में 15,003.5 करोड़ रुपीस था, अप बाय 9.47% इन 1 ईयर एंड 21.66% इन 2 ईयर्स। शेयर कैपिटल फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 21 में 250.00 करोड़ रुपीस था। आखिर में बात करते हैं टोटल लायबिलिटीज की। ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 14,043.4 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 13,013.8 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 13,017.5 करोड़ रुपीस थे, अप बाय 7.91% इन 1 ईयर एंड 7.88% इन 2 ईयर्स। अब ये तो आप जानते हैं कि हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो होते ही हैं, तो चलिए पहले हम स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ने अपनी लीडरशिप को ओवर द ईयर्स एस्टैब्लिश किया है और अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस में एक लार्ज कस्टमर बेस बनाया है। प्लस कंपनी राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के टेलीकॉम सर्कल में ऑपरेट करती है विच आर हाई ग्रोथ मार्केट्स। भारतीय एग्जीकॉम एक एस्टैब्लिश ब्रांड है जिसके पास एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी अपने ओन्ड और लीज्ड एसेट्स के थ्रू रोबस्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करती है और इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्क की। रिस्क की बात करें तो कंपनी का बिजनेस प्राइसिंग रेगुलेशन से इम्पैक्ट हो सकता है और कंपनी पर काफ़ी डेट भी है। कंपनी ने पास्ट में लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं। प्लस भारतीय एग्जीकॉम एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में वर्क करती है जहां पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। एंड लास्टली अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओन्ड बाय द कंपनी। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि इस IPO से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है। साथ ही शेयर करें और आपकी कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।